टू ऑल माई डियर स्टूडेंट्स, नीट 2021 काउंसलिंग से रिलेटेड एक बहुत ही अच्छा मोमेंट, बहुत ही खुशी की बात है, खुशखबरी कह सकते हैं हम इसको, कि जहाँ पे डिसऑर्डर यानी कि रूल्स एंड रेगुलेशंस कुछ स्टेट काउंसलिंग में डेट्स चेंज नहीं हुई थी और वहाँ पे मामला पेचीदा सा हो रहा था कसमकस। क्या है मैं बताता हूँ पूरा डिटेल में, क्या था वो आप सभी को पता है, अब क्या है वो बताता हूँ मैं आपको बहुत ही नीट एंड क्लीन, बहुत ही आसान शब्दों में, राइट? कि हमने देखा ऑल इंडिया कोटा की जो फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग थी, उसके बाद स्टेट कोटा की काउंसलिंग, अब ऑल इंडिया कोटा की जो सेकंड राउंड की काउंसलिंग है उसके ठीक बाद ही स्टेट की सेकंड राउंड की काउंसलिंग होगी, जो कि अभी कुछ लोगों को दिक्कत दे रहा था, कुछ स्टेट्स ने अपनी डेट्स चेंज नहीं की थी तो ये प्रॉब्लम आ रही थी। अब ऐसा नहीं है, तो स्टेट ने अपनी काउंसलिंग के शेड्यूल को रीशेड्यूल किया है जिससे कि किसी बच्चे को प्रॉब्लम नहीं हो। मैं फिर से बता रहा हूँ, स्टेट की जो फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग थी वो ऑल इंडिया के फर्स्ट राउंड के बाद हुई, ऐसे ही ऑल इंडिया कोटा की जो सेकेंड राउंड की काउंसलिंग होगी देन आफ्टर ही स्टेट की काउंसलिंग होगी। इवन मॉपअप राउंड की जो ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग है उसके बाद ही स्टेट की मॉपअप राउंड काउंसलिंग भी स्टार्ट होगी, जिससे कि किसी बच्चे के साथ कोई दिक्कत ना आए, सबको पूरा न्याय मिले और सब अच्छे से अपने कॉलेज चूज़ कर पाएँ। नहीं तो क्या होता कि पहले से ही उसको आइडिया नहीं है और ऊपर से ये स्टेट कोटा की काउंसलिंग की डेट प्रॉब्लम कर रही थी तो बच्चों को बहुत प्रॉब्लम आ रही थी, बच्चों के बहुत फ़ोन आ रहे थे, तो सभी लोगों ने, सिर्फ मैंने ही नहीं, बहुत से लोगों ने ये बातें पहुंचाई और इवन एमसीसी को दिखता भी है कि यार दिक्कत हो रही है कि उनको स्टेट को अपनी डेट्स चेंज करनी चाहिए। नाउ एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग इज़ स्मूथ, तो आप बिल्कुल पैनिक में नहीं आइए, आप सबके साथ बिल्कुल अच्छा व्यवहार होगा एमसीसी काउंसलिंग के थ्रू, राइट? सो फिर मिलेंगे, पढ़ते पढ़ते।